हेलो डियर फ्रेंड नमस्कार कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टोक्स थ्योरम के बारे में स्टोक्स थ्योरम क्या होती है स्टोक्स थ्योरम बेसिकली आपको क्या दिर्खन? देखो इफ एफ इज एनी डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एस इज ए सरफेस बाउंडेड बाई ए करव सी देन एफ डॉट डी आर इज डबल इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस कर्ल एफ डॉट एंड कैप डी एस अब ध्यान से देखिए आपको मुझे पता है इस थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आया होगा तो है ना तो चलिए मैं आपको बताता हूं सिंपली जो है वो लिए करते हैं हम लोग यूज करते हैं ठीक है लेफ्ट साइड तो आप जब लेफ्ट साइड याद रखोगे तो आप क्या करोगे एल एस लेफ्ट साइड याद रखा एल एस मतलब स्टोक्स आई तो लाइन से सरफेस इंटीग्रेशन में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं और लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो थ्योरम की जरूरत होती है वो ठीक है, है? है, 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 है अब देखो ये कहता है कि मान लो कोई एफ है वो एक ऐसा डिफ्रेंशियबल वैक्टर है जो आपका पूरा पूरा डिफ्रेंशिएट हो रहा है ठीक है और उसके अलावा आपका जो एस है वो आपका क्या है एस इज आपका सरफेस इंटीग्रेशन ठीक है सरफेस इंटीग्रल है तो आपको क्या करना है जो लाइन इंटीग्रेशन है उसको आपको सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है और ये जो थ्योरम है यही क्या है स्टोक्स थ्योरम है ठीक है अब देखो क्या कहता है वेयर एन कैप एन कैप क्या है यहाँ पे ये जो आप एन कैप देख रहे हैं ये क्या है यहाँ पे एन कैप एन कैप है आपकी डायरेक्शन ठीक है एन कैप होती है आपकी डायरेक्शन सिंपली आप याद रखो एन कैप क्या है आपकी डायरेक्शनल वैक्टर क्या है आपकी एन कैप डायरेक्शनल वैक्टर है ठीक है यानी कि जो उस सरफेस की इंटीग्रेशन की डायरेक्शन को उसके वेक्टर की डायरेक्शन को शो करती है वो क्या है आपकी एन कैप है देखो वेयर एन कैप इज एट नॉर्मल ऑफ सी देखो इस थ्योरी का क्या मतलब है वो हम यहां पे डिस्कस करते हैं देखो ये आपका एक्स वाई प्लेन है ठीक है ये आपका एक्स वाई प्लेन है अब देखो यहाँ पे मैंने ये एक रीजन ड्रा कर दिया ठीक है ये वाला यानी कि ये एक कोई सरफेस है ये सरफेस एस है जो कि क्लोज कर्व सी से यानी कि लाइन से वो क्या है बाउंडेड है ठीक है अब हमें क्या करना है हमें इसको समझना है मान लो ये जो है ये एंटी क्लोकवाइज है ये तो कोई डायरेक्शन जो एरो की है वो क्या है एंटी क्लोकवाइज है ठीक है अगर यदि ये एंटी क्लोकवाइज है तो इसकी जो एन एनकेफ की जो डायरेक्शन है वो कहां होगी वो होगी आउटसाइड ठीक है ये देखो लिखा हुआ है आउटसाइड होगी अगर यदि ये इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज में तो इसकी जो एन कैप की जो डायरेक्शन है वो कहां होगी इन होगी ये सेम ऐसा ही होता है जैसा आप मान लो एक राइट हैंडर्ड स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं ठीक है राइट हैंड स्क्रू को जब आप ऐसे घुमाएंगे तो वो कहां आएगा बाहर की तरफ आएगा ठीक है और जब आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कहां जाएगा अंदर की तरफ जाएगा यही है इसका फंडा ठीक है थ्योरी से ज्यादा बेटर आपको न्यूमेरिकल में समझ में आएगा ठीक है इस बात की गारंटी है मेरी तो आपको क्या करना है आपको सिंपली ध्यान रखना है बस आपको एक बात याद रखनी है कि थ्योरम कुछ नहीं है बस लाइन और सरफेस इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है इट गिव्स रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल इस बात को आपको याद रखना है ठीक है तो ऐसा हमारे पास ये जो है ये डायग्राम है किसका स्टोक्स थ्योरम का यही है, 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 है।, तो है कि लाइन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं देखो कुछ नहीं है लाइन इंटीग्रेशन को हमने सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद हमें क्या करना है कर लेफ निकालना है और बस गई बात और उसका इंटीग्रेशन कर देना है कर लेफ आपको निकालना आता ही है ऐसे वाला

ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एफ इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आपका कर्ल एफ क्या होता है इसका मतलब कर्ल एफ होता है ठीक है इसका मतलब होता है आपका कर्ल एफ तो इंटू एन कैप डॉट डीएस अब डीएस को आप सीधा डीएस भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स और डीएस को आप डीएस वेक्टर में भी शो कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टरल क्वांटिटी होती है ठीक है ये है इसका फॉर्मूला बेसिक से आपको याद रखना है एक दो बार आप रिवाइज करोगे पढ़ोगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा ठीक है और अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर न्यूमेरिकल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा न्यूमेरिकल क्या कहता है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्सक्स एक्स वाई जे इंटीग्रेटेड आउंड द स्क्र इन द प्लेन जेड इज इक्वल टू जीरो देखो जेड इज इक्ल टू जीरो का मतलब क्या है इसका मतलब यह जेड इज इक्ल टू जीरो हो गया तो प्लेन ओनली एक्स वाई एक्स में है एक्स वाई प्लेन में है ठीक है प्लेन कहाँ लाई कर रहा है एक्स वाई एक्स में देखो जेड इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स वाई में लाई कर रहा है ये ठीक है कैसे पता लगा देखो एक तो यहाँ पे जेड इज कॉल जीरो देखने में पता लग रहा है कि एक्स वाई में लाई कर रहा है दूसरा क्या है यहाँ पे देखो क्या के कैप की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको नहीं दे रही क्यों आई और जे की वैल्यू दिखाई दे रही है इसका मतलब आई होता है एक्स का जे होता है वाई का और के किसका होता है जेड का होता है यहां पे के की कोई वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही इसका मतलब जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो है जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो है ठीक है और इसने कह भी दिया कि ये एक टाइप बन रहा है जो कि जेड टू डायरेक्शन में तो है ही नहीं वो किस किस डायरेक्शन में है एक तो एक्स डायरेक्शन में है एक वाई डायरेक्शन में है ठीक है डियर फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ठीक है कोई इशू नहीं है मैं आपको दोबारा भी करा दूंगा बट मेरी जहां तक कोशिश है वो आपको यही है कि आप पहली पहले अटेम्प्ट में आप अच्छी तरह से समझ पाए एंड बाउंडेड बाई लाइन एक्सलो वाई जीरो क्या है काफी बार स्टूडेंट सोचते हैं ये क्या दे दिया ये होती है लिमिट्स क्या होती है ये लिमिट्स होती है ठीक है इनिशियल और फाइनल लिमिट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक आदमी दिल्ली से मुंबई जा रहा है ठीक है दिल्ली से मुंबई का उसका डिस्टेंस जो है वो ये इसकी इनिशियल लिमिट है ये इसकी फाइनल लिमिट है ठीक है इसी तरह से ये एक्स जो है वो जीरो से ए जा रहा है यानी कि आप ए को आप मुंबई मान सकते हो जीरो को आप दिल्ली मान सकते हो तो दिल्ली से मुंबई जा रहा है एक्स ठीक है यानी कि जीरो से ए जा रहा है ई भी दिल्ली से मुंबई जा रहा है फिर उसके पीछे पीछे वाई भी हो लिया बोला मैं भी जाऊंगा ठीक है तो वाई भी जीरो से ए जा रहा है ठीक है इसका मतलब ये क्या है ये आपकी दिल्ली ये आपकी मुंबई यानी कि सिंपली क्या है एक्स और वाई जीरो से ए लाइक कर रहे हैं अब ये बात आती है कि ये हमें काम यूज कहाँ आएंगे तो ये डियर फ्रेंड्स यूज आएंगे आपके जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे ठीक है जो कि कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको ये रहा देखो ध्यान से देखना इसको ये है इसका डायग्राम जो इसने फिगर जो इसने क्वेश्चन दिया था देखो x यहां पे देखो तो यहां x डायरेक्शन x एक्सिस ये हो गया हमारी y एक्सिस अब इसने क्या कहा था इसने कहा था कि z इज इक्वल टू जीरो है यानी कि यानी कि डियर फ्रेंड्स कि जो मेरा जो प्लेन है वो ओनली एक्स वाई एक्सिस में ही रोटेट कर रहा है यानी कि एक्स वाई एक्सिस में ड्रा है ठीक है तो ये हमारी वाई होगी ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस होगी ठीक है अब देखो सिंपली देखो क्वेश्चन ने खुद ने बताया था कि हमें कैसे डायग्राम बनाना है इसने इस है इसने कहा था ठीक भाई डायड तो यहां होता है ना ऐसे ऐसे होता है तो जेड के अंदर तो कोई है ही नहीं तो इसलिए मैंने इसको रब कर दिया ठीक है और ये किसके अंदर था ये है एक्स वाई में अब देखो एक्स में एक्स एक्सिस में एक्स जीरो से ए जा रहा है एक्स वाई में एक्स जीरो से जीरो रह रहा है और Y एक्सिस में Y क्या है यहां पे देखो यहां पे जीरो से जीरो रह रहा है फिर यहां पे जीरो से A जा रहा है Y ठीक है और फिर यहां पे A से वापस A और X क्या है A से जीरो आ रहा है यानी कि एक बात देखो जीरो से A A से A फिर A से जीरो फिर जीरो से A इस तरह से ये घूमेगा तो एक स्क्वायर टाइप बन जाएगा ये स्क्वायर टाइप बनेगा ठीक है आपका देखो जीरो से जीरो ए से जीरो ए से ए जीरो से ए ठीक है ये आपका क्या बनेगा स्क्र टाइप बनेगा यानी कि इसकी वैल्यू ओनली जीरो से ए तक ही लिमिटेड है जीरो से A, देखो जीरो से ए जाएगा फिर ए से ए जाएगा फिर ए से जीरो जाएगा फिर जीरो से ए जाएगा, जाएगा इतने में आपका क्या बन जाएगा स्क्यर बन जाएगा ठीक है अब देखो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैं एक बार बता दूं ठीक है देखो ये हमारी जो पहली वैल्यू होती है ना ये होती है हमारी एक्स की वैल्यू ये होती है हमारी वाई की वैल्यू ठीक है ये होती है हमारी एक्स की वैल्यू ये होती है हमारी वाई की वैल्यू ये होती है हमारी एक्स की वैल्यू ये होती है हमारी वाई की वैल्यू ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप समझ लो ठीक है जो जो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ना कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है बस आप पढ़ते रहिए लगातार देखो ये इसका डायग्राम बन गया अब हमें पता है इसका जो थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है ये होता है ठीक है एफ डॉट डी आर यानी कि ये क्या है हमारा लाइन इंटीग्रेशन है और ये हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल क्रॉस एफ ठीक है है ठीक है ये करल एफ है ये आपको निकालना आता ही है फिजिक्स में हमने पढ़ाई था देखो नहीं आता तो कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूं यहां पे हम उठाते हैं राइट हैंड साइड को ओनली इसको ठीक है तो राइट हैंड साइड को जब हमने उठाया तो ये क्या बनेगा ये बनेगा डेल क्रॉस एफ तो ये क्या बनेगा इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं आई जे के तीन वेक्टर लिए तीन डायरेक्शन में

आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो आई और जे में ही था ये देखो आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो आई और जे में ही है क्या था क्वेश्चन क्वेश्चन था एक्स क्यूर आई प्लस एक्स वाई जे के वैल्यू क्या है जीरो है तो आई के पास आप एक्स क्यूर लिख दो ये वाला जे के साथ आप एक्स वाई लिख दो ये वाला और के वैल्यू आपकी जीरो है अब डियर फ्रेंड्स क्या करना है अब मैंने यहां पर इसको डायरेक्टली सोल्व कर दिया है ठीक है के वाई माइनस जीरो तो के वाई की वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगी आपकी के वाई ठीक है के वाई माइनस जीरो है तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर दो के की वाई से कि के वाई माइनस के की जीरो से कि जीरो तो के वाई माइनस जीरो यानी कि के वाई अब यहां पे भी आपको कि डी स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं पहले हम इसको उठाएंगे आपने मैट्रिक्स में किया होगा ना डिटर्मिनेंट तो प्लस माइनस प्लस

ठीक है ये समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता देना इसको मैं आपको अलग से समझा दूंगा ठीक है ने नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर ले आऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ठीक है अब देखो अब यहां पे खास बात ध्यान देने वाली है वो क्या है अगर यदि डीएस सरफेस की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है ध्यान से देखिएगा डियर फ्रेंड्स अगर यदि सर्फेस डीएस की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है जैसा कि हमारे पास इसमें है प्रोजेक्शन का मतलब क्या है ये वाला ठीक है ये देखो ये ये क्या है आपकी प्रोजेक्शन है ये किस में है आपकी एक्स वाई प्लेन के अंदर है ठीक है ये आपकी प्लेन के अंदर है तो हम इसको डीएक्स को हम क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते के डॉट एन कैप एस ठीक है के आप कोई भी क्वांटिटी ले लो के डॉट एन कैप इंटू एस जो है उसको हम डीएक्स डीवाई की फॉर्म में लिख सकते हैं ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी ये मेमोराइज फैक्टर है ठीक है अब देखो सिंपली आप क्या करोगे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ के वाई एंड कैप डी एस ये वाला आ गया ठीक है के वाई एन कैप डी एस इज इक्वल टू अब आप क्या करोगे अब मैंने आपको क्या बताया था कि के डॉट एन कैप डी एस को आप डी एक्स डी वाई लिख सकते हो अब आप यहां पे एन कैप डी एस है ना उसकी जगह आप डी एक्स डी वाई लिख दो अब आप एन कैप डी एस की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये क्या बनेगा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय ये जो के है वो उसके डिवाइड में चला जाएगा डिवाइड बाई के तो मैंने यहां पे कुछ नहीं किया है डी एस की जगह मैंने वैल्यू पुट की है एस की जगह मैंने क्या की है वैल्यू पुट की है अब आप पूछोगे कि ये कहां से आ गया भाई ठीक है तो भाई यहां पे आप देखो रुको दिखाता हूं ये यहां पे आप देखो ये क्या था डेल क्रोस एफ एन कैप डी एस अब इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली इसकी वैल्यू हमने निकाल ली निकाली वो हमने यहाँ पुट कर दिया एज इज था वो हमने यहां लिख लिया ठीक है अब तो समझ में आ गया होगा अब देखो के वाई एन की वैल्यू क्या है मैंने अभी यहां से निकाली है डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई के ठीक है तो वो मैंने एज इट इज यहां पे पुट कर दी बस इसको सोल्व किया आगे अब यहां पे डिवाइड बाई के है ऊपर की है तो के, से के आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा के से कैसे आपका कट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका डबल इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीवाई डीएक्स ठीक है अब देखो वाई डी वाई डी एक्स तो ठीक है बट इनकी वैल्यूज क्या कहाँ है इनकी वैल्यू है जीरो से ए एक्स की वैल्यू और जीरो से ए है वाई की वैल्यू ठीक है देखो डियर फ्रेंड्स ये होता है एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है वाई का इंटीग्रेशन तो एक्स की वैल्यू भी जीरो से ए लाई कर रही है वाई की वैल्यू भी जीरो से ए लाई कर रही है ठीक है कहाँ क्यों हमने क्यों कहा जीरो से लाई करी ये देखो ये इनने कहा था ठीक है कि जीरो से ए जीरो से ए इसने क्वेश्चन में कहा था लाई कर रही है तो हमने कर दिया जीरो से ए जीरो से ए अब आप क्या करोगे डियर फ्रेंड इसका इंटीग्रेशन कर लोगे आई होप इंटीग्रेशन तो आपको करना आता होगा नहीं आता है तो मैंने अभी अभी जस्ट ग्रुप के अंदर वीडियो डाली है उससे आप इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं इंटीग्रेशन होता है डियर फ्रेंड्स एक्स की पावर मान लो एन है ठीक है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा पावर में एक ऐड कर दो और उसी से आप उसको डिवाइड कर दो प्लस का सी आता है वो तो उसका इंटीग्रेशन कॉन्स्टेट होता है ठीक है तो आप इतना याद रखो जैसे मान लो एक्सक्र का इंटीग्रेशन करना है तो पावर में एक ऐड कर दो एक्स क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा ठीक है इसी तरह से हमने इसको इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट पुट कर दी देखो इंटीग्रेशन क्या हो गया एक तो होगा वाई स्क्र ठीक है जीरो से ए तो इस तरह से आपने अगर लिमिट पुट की तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा वन बाई टू ए क्यूब ठीक है आप निकाल के भी देख सकते हैं मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया वन बाई टू ए क्यूब इसका आंसर आएगा जब आप इसकी इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट जब आप पुट करोगे ना तब तो आपका आंसर वन बाई टू ए क्यूब आएगा ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड का और अगर यदि अगर यदि इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन वी कैन से दैट वी कैन वेरीफाई वी कैन वेरीफाई स्टोक थ्योरम हम क्या कर सकते हैं स्टोक थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं ठीक है अब हम उठाते हैं है? ठीक, है? है. ठीक है तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं क्या इसका आंसर एफ डॉट डी आर एफ क्या है फंक्शन फंक्शन आपको क्या दिया था क्वेश्चन में ध्यान से देखो फंक्शन क्या दिया है फंक्शन ये एक्स क्यूर आई प्लस एक्स वाई जे तो वो हमने यहां पे पुट कर दिया एक्स क्यूर आई प्लस एक्स वाई जे ये क्या है क्लोज कर्व से है ठीक है क्लोज कर्व यानी कि देखो ऐसे बन रहा था इसका मतलब क्या ये क्लोज था ये चारों तरफ से क्या था क्लोज था तो ये क्लोज कर्व में है तो एक्स स्क्स एक्स वाई जे अब देखो dr की वैल्यू क्या होती है ये तो आगे एफ की वैल्यू dr की वैल्यू क्या होती है डी आर की वैल्यू होती है डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा ये वाली आई डी एक्स प्लस जे डी वाई अब के वाली तो हमारे पास जीरो हमने देख लिया है ठीक है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई ये किसकी वैल्यू ये तो एफ की वैल्यू है और यह डीआर की वैल्यू है नहीं याद रहता तो आप कॉपी पे लिख लो डी आर की वैल्यू यानी कि रिजल्टेंट होता है डी आर क्या होता है रिजल्टेंट वैक्टर होता है रिजल्ट वेक्टर वैल्यू क्या होता है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई और अगर हम के में बात करें तो के डी जेड होता है बट यहां पे के जीरो है तो हम लोग ओनली दो वेक्टर की बात करेंगे एक्स और वाई के बारे में ठीक है अब हम देखते हैं देखो अब आप याद करोगे यहां से देखो आई आई वालों को कॉमिनेट कर लो जे जे वालों को तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स आई सी आई कैंसिल हो जाता है ठीक है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई अब आप क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन करोगे ठीक है और अब आप देखो हम लोग उठाते हैं ओ ए ए बी बी सी और सी ओ इनकी वैल्यू देखो ओ ए ए बी बी सी सीओ ओ ए आप उठा लो ओ ए में एक्स की वैल्यू क्या है जीरो से ए जा रही है और वाई की वैल्यू जीरो से जीरो है ठीक है वही मैंने यहां पे लिखा है देखो ओ ए में ओ ए में क्या है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जीरो है एक्स की वैल्यू जीरो से ए जा रही है ए बी में एक्स की वैल्यू ए है वाई की वैल्यू जीरो से ए जा रही है आप ध्यान से देखो उस डायग्राम को देखो कुछ नहीं किया डायग्राम को देखो डायग्राम को देखो देखो ए बी की वैल्यू क्या है ए देखो ए में एक्स ये रहा मैंने अभी आपको बताया था ना ये पहला एक्स होता है दूसरा वाई होता है ए एक्स कहां से कहा जा रहा है ए से ए ही रह रहा है बट वाई क्या है जीरो से ए जा रहा है तो वही मैंने लिख दिया कि एक्स की वैल्यू तो ए है एज इट इज और वाई कहां जा रहा है जीरो से ए जा रहा है इसी तरह से बी सी में वाई की वैल्यू तो ए से ए ही है एक्स की वैल्यू ए से वापस जीरो हो रही है सी ओ में एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू ए से जीरो हो रही है ठीक है नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूं ये तो आपको पता लग गया ना वैल्यूज well, अब देखो मैंने कैसे निकाली ये वैल्यूज मैंने निकाली है इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो जूम करके अब देखो डियर फ्रेंड्स कि एक्स यहाँ पे देखो ओ से ए में ओ से ए में एक्स देखो जीरो से ए जा रहा है बट वाई जीरो से जीरो है ठीक है तो वो मैंने लिख दिया कि एक्स जीरो से ए और वाई जीरो है ए से बी में एक्स ए से ए है वाई जीरो से ए जा रहा है बी से सी में एक्स है वो ए से जीरो हो गया और y है वो A से A ही रहा है ठीक है C से O में X जीरो से जीरो हो गया और Y A से जीरो हो गया तो डियर फ्रेंड्स वही मैंने यहां पे लिखा है वही मैंने यहां पे लिखा है कि ओ ए में Y इज इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू जीरो से A लाई करेगी फिर ए बी में X A का A रहा Y है वो जीरो से A हो गया फिर बी सी में वाई ए का ए रहा एक्स जो है वो ए का जीरो हो गया सी ओ में एक्स की वैल्यू जीरो होगी वाई है वो ए से जीरो हो गया यही मैंने लिखा है ठीक है अब आपको क्या करना है इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है मैंने यहां पर मान लिया यू एक्स यू एक्स यू ठीक है कुछ भी मान सकते हो ए बी सी डी एम एन ओ पी कुछ भी तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन अब आप इनको बाई बाईपार्ट कर दो यानी कि अब आप इंटीग्रेशन कर दो इन सभी का पहली बार इंटीग्रेशन होगा ओ ए रीजन का फिर आप इंटीग्रेशन करो ए बी रीजन का फिर आप करो बी सी का फिर आप करो सी ओ का यही मैंने यहां पे किया है इंटीग्रेशन ऑफ ओ ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी ओ और दोस्तों ये कौन सा इंटीग्रेशन है ये आपका है लाइन इंटीग्रेशन क्यों क्योंकि ओ ए क्या है ओ ए क्या है ओ ए लाइन ही तो है ओ ए आपके पास क्या है एक लाइन ही तो है ठीक है ये क्या है एक लाइन है ये भी एक लाइन है ये भी एक लाइन है, है और ये भी एक लाइन है ठीक है तो लाइन इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं यहां पे अब आप क्या करोगे अब आप देखो सरफेस इंटीग्रेशन तो हमने निकाल ही लिया था ये वाला है ना ये सारा सारा क्या निकाला था हमने सरफेस इंटीग्रेशन किसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर अब लेफ्ट हैंड साइड में हम निकाल लें लाइन इंटीग्रेशन और अगर इन दोनों की वैल्यू यानी कि लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू और सर्फेस इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या है कि स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो जाती है ठीक है अब देखो ए की वैल्यू एक्स क्यूर डी एक्स प्लस एक्स ए वाई डी वाई ठीक है ए बी की वैल्यू क्या है एवाई डीवाई एवाई डीवाई क्यों क्योंकि भाई एक्स की वैल्यू जीरो से ए लाइ ए से वैल्यू जीरो से ए लाई कर रही है ठीक है और फिर बी सी की वैल्यू एक्स क्यूर डीएक्स प्लस सी ओ की वैल्यू जीरो है ठीक है सीओ की वैल्यू क्या है जीरो एक्स की वैल्यू क्या होगी थी जीरो होगी थी अब देखो यहां पे इस डायग्राम में यहां से मैंने वो इंटीग्रेशन लिखा है कुछ नहीं किया है ठीक है वैल्यूज पुट की है ठीक है अब देखो एक्स स्क् डीएक्स ठीक है ए वाई डी वाई X kvdx, यहां से ये वैल्यूज पुट की है अब आप क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट को पुट करोगे जीरो से इनिशियल लिमिट आपकी जीरो तो जीरो से आप पुट करोगे डियर फ्रेंड्स तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंटीग्रेशन तो आता ही होगा जब आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा आपका ए क्यूब डिवाइडेड बाई टू और इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू ए क्यूब और देखो ये भी हमारे पास वन बाय टू ए क्यूब आ रहा है ये भी हमारे पास वन बाई टू ए क्यूब आ रहा है और जो राइट हैंड साइड निकाली थी वो भी हमारे पास क्या आई थी वन बाई टू ए क्यू बाई थी यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसलिए जो स्टोक्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है ठीक है इसलिए वो स्टोक्स थ्योरम क्या है वेरीफाई हो जाती है तो ये था आपका स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ और स्टोक्स थ्योरम के ऊपर एक न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है वीडियो को लाइक भी कर देना कमेंट भी कर देना कैसी थी वीडियो ठीक है कमेंट से हमें पता लगता है कि हमें क्या ग्रो करने की जरूरत है और उसके बाद आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर देना और पढ़ते रहो लगे रहो ठीक है मेहनत करते रहो तो एक बार मैं आपको दोबारा से एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ स्टोक्स थ्योरम कुछ नहीं है बस एक लाइन और सरफेस इंटीग्रेशन का कनेक्शन है ठीक है रिलेशन पुट करते हैं लाइन से सरफेस के बीच में और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं बस कुछ नहीं करना है आपको पहले ये लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है राइट हैंड साइड निकालनी है दोनों की अगर वैल्यू इक्वल है यानी कि लाइन इंटीग्रेशन यानी कि लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है दोनों तो इसका मतलब क्या है कि स्टोक्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गई है ठीक है तो ये थी दोस्तों थ्योरम उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत